जो है हम पढ़ेंगे टॉपिक है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं? जो कि कक्षा 6 का और 7 दो क्लास ऐसे हैं जिसमें कि इंटीजर्स की शुरुआत होती है। कक्षा 6 से स्टार्ट होती है, 6-7 दोनों में आपको इंटीजर्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखा जाए कि इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स किसे कहते हैं। तो इंटीजर्स कहते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। ऑल काउंटिंग नंबर्स, सारी गिनने वाली संख्याएं जिसमें कि जीरो भी शामिल होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, यानी कि इंटीजर्स कहते हैं। अब आते हैं कि इंटीजर्स कितने प्रकार के होते हैं, किस किस को जो है इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले ये जाना जाए। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर्स तो देयर आर, क्वेश्चन कोई भी पूछ दे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, तो आप कहोगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, ठीक। इंटीजर्स जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो कि इंटीजर्स किसे कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आइए, 3 होते हैं इंटीजर्स। अभी हमने जाना कि 3 प्रकार के जो है इंटीजर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो इंटीजर्स पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर्स और तीसरा होता है जीरो। 3 इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सबसे पहले देखा जाए, नंबर लाइन पे आइए, हम लोग समझें। यस, जो सेंटर में होता है, सेंटर यानी कि मध्य में, मध्य यानी कि बीच, जो सेंटर में होता है वह जीरो होता है। और जीरो के राइट साइड पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव। तो देखिए, जीरो के राइट, तो ये हो गया राइट साइड और यह हो गया आपका लेफ्ट, या राइट साइड हो गया जीरो का और यह लेफ्ट साइड हो गया। जो भी जीरो के राइट साइड संख्याएं आती हैं वह पॉजिटिव कहलाती हैं, जैसे +1, +2, +3, +4, +5 ऐसे ही डॉट डॉट जाएगा, ठीक है। हो सकता है पॉजिटिव जो भी नंबर्स होते हैं उसमें प्लस नहीं भी लगा रहता है, जिसमें कुछ नहीं लगा है यानी कि आप समझोगे कि वह जो है पॉजिटिव नंबर्स है या पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। आगे, और जो इसके लेफ्ट होता है, जैसे -1, -2, -3, -4 और यह -5, यह जो होते हैं नेगेटिव नंबर होते हैं, इसके आगे ऐसे ही चलते जाते हैं। तो ये देखा जाए, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या होता है, तो सबसे छोटा जो है पॉजिटिव नंबर क्या होता है, तो 1 होता है। सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर क्या होता है, यह नहीं आप बता सकते हैं, क्योंकि यह अनंत संख्या है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। इसलिए सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर हमें पता है कि सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर क्या होता है, 1। दूसरी बात, ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट भी कह सकते हो, ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या होती है, तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या जो होती है, नेगेटिव नंबर जो सबसे बड़ा होता है, क्या होता है, -1 होता है। और जीरो क्या है, जीरो जो है, जीरो
ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, जीरो। जीरो क्या है? जीरो सेंटर में होता है, यह ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो आपने अभी पढ़ा कि इंटीजर्स किसे कहते हैं, इंटीजर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो इंटीजर्स तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव क्या होता है, तो जो सेंटर होता है जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव होता है, जीरो के लेफ्ट साइड में आपका नेगेटिव होता है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर वन होता है, और लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर क्या होता है या ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर क्या होता है, तो आपने देखा कि ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर जो होता है माइनस वन होता है। जीरो क्या है, पॉजिटिव है संख्या या नेगेटिव, तो जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। तो आज हम लोग इंटीजर्स के बारे में इतना जाने, कल से जो है इस पर सवाल देखे जाएंगे, ठीक है।